बुल भैया क्या कर रहे हो? सिंचन पुल साफ कर रहा हूँ। क्यों, कुछ हुआ क्या? कुछ चाहिए तेरे को? बुल भैया कुछ नहीं चाहिए, बस आज एक कहानी सुनाओगे क्या? क्या कहानी बोलना भाई, अगर मेरे को आएगा तो भाई सुनाएंगे। ओके बुल भैया, क्या आपको बताया बैटमैन और सुपरमैन के बीच क्यों फाइट हुआ था डॉन ऑफ जस्टिस में? अच्छा, बैटमैन और सुपरमैन के बीच क्यों फाइट हुआ था, ये तेरे को चाहिए? ये स्टोरी मेरे को आता है। अरे बोल भैया फिर बोलो ना। ठीक है सिंचन, तेरे को भी आज ये स्टोरी बोलने वाला हूँ, और जिन जिन लोगों को इस स्टोरी के बारे में नहीं पता है मैं उन लोगों को भी ये स्टोरी बोलने वाला हूँ, और ये पूरा मैं स्टोरी बनाने वाला हूँ GTA 5 के दुनिया में। अरे बोल भैया GTA 5 के दुनिया में? हाँ सिंचन। गाइस तो वीडियो को फुल सपोर्ट करना, बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर से कर देना। ओके बोल भैया फिर कहानी शुरू कर दो। ओके गाइस कहानी शुरू करते। सो सिंचन सुन अच्छी तरीके से। कहानी शुरू होता है ऐसे कि बैटमैन आया हुआ था मेट्रोपोलिस शहर, ठीक है, एंड वो तब की बात है, ये तब की बात है जब सुपरमैन और जॉट के बीच लड़ाई हो रहा था, ठीक है, बहुत बड़ी लड़ाई। अरे हाँ हाँ बोल भैया, मैन ऑफ स्टील मूवी में जॉट और सुपरमैन के बीच बहुत बड़ा फाइट हुआ था। हाँ सिंचन अब सुन, अब लड़ाई के दौरान बहुत सारे लोग मारे गए थे, ठीक है, तो उनमें से कुछ लोग बैटमैन के अंदर, मतलब बैटमैन के कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉयज भी थे, ठीक है, तो बहुत बैटमैन को दर्द हुआ कि कितने सारे लोग मारे गए इस फाइट के दौरान, ठीक है। फिर बैटमैन के अंदर, मतलब बैटमैन के माइंड में एक सवाल उठा कि अगर सुपरमैन ना होता तो ये सब तबाही भी नहीं मचती और इतने सारे बेगुनाह लोग भी नहीं मरते, और उसी मोमेंट में बैटमैन के दिल में सुपरमैन के लिए एक नफरत पैदा होता है। फिर उस फाइट के बाद सिंचन सुपरमैन को हर कोई लोग जानने लगते हैं, कई लोग उसको मसीहा मानते थे और कई लोग सुपरमैन से डरते थे क्योंकि उस फाइट के दौरान बहुत सारे लोग मारे गए थे, बेगुनाह लोग। अरे हाँ हाँ इसी कारण से मतलब लोग डरने लग गए थे सुपरमैन से। हाँ सिंचन अभी सुन, अभी मजा आने वाला है। फिर सिंचन एक तरफ सुपरमैन मेट्रोपोलिस शहर का रक्षा कर रहा था और दूसरी तरफ बैटमैन भी गॉथम सिटी में क्रिमिनल्स के साथ फाइट कर रहा था। दोनों ही सुपर हीरोज का काम करने का तरीका बहुत ही अलग था, ठीक है। बैटमैन को सुपरमैन का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आता था और सुपरमैन को भी बैटमैन का तरीका पसंद नहीं आता था, ठीक है। तो फिर मौके पे चौका देने आ गया है लेक्स लूथर। लेक्स लूथर ये टकला कौन है? सिंचन यही तो है लेक्स लूथर। सिंचन ये एक बहुत बड़ा विलन है, इसको अंडरएस्टिमेट मत कर। ओके बोल भैया बोलो बोलो, अच्छा लग रहा है कहानी सुनने में। सिंचन सुन, जले हुए आग में घी डालना बोलता है ना? हाँ बोल भैया बोलता है, मैं बहुत बार डाल चुका हूँ। सिंचन सुन फिर सुन, फिर क्या करा लेक्स लूथर ने? दोनों ही हीरोज को भड़काया एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। एंड सिंचन लेक्स लूथर को सुपरमैन बिल्कुल पसंद नहीं आता था क्योंकि उसका मानना यह था कि खास शक्ति वाले लोग जैसे सुपरमैन, सुपरमैन जैसे लोगों को मतलब रहना नहीं चाहिए क्योंकि वो आम जनता के लिए खतरा हो सकते हैं। लेक्स लूथर ये चाहता था कि सुपरमैन किसी तरीके से मर जाए या फिर लोगों के नजरों में सुपरमैन का जो पर्सनैलिटी है, जो कैरेक्टर है, वो मतलब गिर जाए, ठीक है, सुपरमैन को लोग मतलब नफरत करने लग जाए, तो ये चाहता था लेक्स लूथर। तो लेक्स लूथर ने ऐसे बहुत सारे कांड किए जिसके कारण सुपरमैन गवर्नमेंट के नजरों में एक मुजरिम बन गया, ठीक है, और यही तो चाहता था लेक्स लूथर। अरे बुल भैया लेक्स लूथर ही मेन कल्प्रिट है, मतलब मेन विलन है। सिंचन अभी बहुत मजा आने वाला है। गाइस आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं? अगर मजा आ रहा है तो गाइस अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक कर दो क्योंकि स्टोरी अभी बहुत लंबा जाने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग जाने वाला है। बुल भैया बोलो बोलो, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ठीक है सिंचन सुन, बोल भैया आपने एक चीज बोला कि लेक्स लूथर पहले से इन दोनों को भड़का रहे थे एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन बोल भाई ये कैसे हो सकते हैं? लेक्स लूथर को कैसे पता कि बैटमैन कौन है और सुपरमैन कौन है? सिंचन इधर तो गलत हो गया यार। लेक्स लूथर एक जीनियस था, ठीक है, एंड लेक्स लूथर को इन दोनों के असलियत के बारे में सब कुछ पता था कि सुपरमैन क्लार्क केंट है और बैटमैन ब्रूस वेन है, तो पहले से इन दोनों को भड़का रहे थे क्योंकि अगर सुपरमैन को गुस्सा आ गया और अगर वो बैटमैन को मार दे तो सुपरमैन बहुत गंदी तरीके से गिर जाएगा गवर्नमेंट और लोगों के सामने। अरे बोल भाई ये लेक्स लूथर काफी शैतान निकला। सिंचन ये है ही शैतान। अभी सुन, अभी उसने क्या करा, इन दोनों को तो मतलब झगड़ा लगवाने का ये तो प्लान था ही, और ऊपर से लेक्स लूथर क्या कर रहा था कि वो अपने कंपनी में दूसरे मेटा ह्यूमंस के ऊपर भी रिसर्च कर रहा था। दूसरे मेटा ह्यूमंस मतलब बोल भाई? दूसरे मेटा ह्यूमंस जैसे फ्लैश, वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्न, एक्वामैन,
लेकिन बोल भैया दूसरे सुपर हीरोज के बारे में क्यों रिसर्च कर रहा था सिंचन? क्योंकि मैंने जैसे तेरे को बोला था कि लेक्स लूथर का ये मानना था कि सुपर हीरोज इंसानों के लिए खतरा हो सकता है, तो इसी कारण से। फिर सिंचन लेक्स लूथर अपने पैसों के दम पर जनरल जॉर्ड का जो स्पेसशिप था वो खरीद लेता है और साथ ही साथ जनरल जॉर्ड के बॉडी के ऊपर भी रिसर्च करने लग जाता है। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि सिंचन लेक्स लूथर को मारना ही था सुपरमैन को कोई भी तरीका यूज करके, और उसको एक चीज पता था कि जनरल जॉर्ड और सुपरमैन दोनों ही क्रिप्टोनियन प्लेनेट से बिलोंग करता है, और अगर जनरल जॉर्ड को स्टडी करने के दौरान ऐसा कुछ पता लग जाता है लेक्स लूथर को कि सुपरमैन का वीकनेस क्या है, तो उसके लिए तो ये फायदेमैन हो जाएगा, तो इसलिए ये सब कर रहा था। और सिंचन दूसरे तरफ बैटमैन को थोड़ा सा शक होने लगता है, डाउट होने लगता है लेक्स लूथर के कारनामों के ऊपर। और सिंचन एक दिन बैटमैन लेक्स लूथर के पार्टी में जाता है और वो चुपके से लूथर के कंप्यूटर से सारे डेटा कॉपी कर लेता है जो प्राइवेट सीक्रेट फाइल्स है, और फिर फाइल्स को पढ़ने के बाद बैटमैन को ये पता लगता है कि लेक्स लूथर क्रिप्टोनियन मतलब क्रिप्टोन करके एक पत्थर है वो खरीदने वाला था। लेकिन बोल भैया वो कैसे खरीद सकता है? क्रिप्टोन आखिर पृथ्वी में आया तो आया कैसे? सिंचन 1.5 साल पहले लगभग क्रिप्टोनियन प्लेनेट का एक मलबा हिंद सागर में गिर गया था और उसी से उसको मिल गया था क्रिप्टोन। लेकिन सिंचन बैटमैन एक दिन रात के टाइम में आकर के लेक्स कॉर्प से वो क्रिप्टोन चुरा लेता है। और सिंचन गजब की बात यह है कि लेक्स लूथर भी यही चाहता था कि बैटमैन वो क्रिप्टोन का टुकड़ा चुराए। ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि यार अगर बैटमैन और सुपरमैन के बीच फाइट हो जाता है फिर बैटमैन वो क्रिप्टोन यूज करेगा सुपरमैन के अगेंस्ट सुपरमैन को मारने के लिए। सिंचन सुपरमैन के अगेंस्ट बहुत सारे केसेस चल रहे थे, ठीक है, एंड एक दिन सुपरमैन को कोर्ट में बुलाया, अदालत में बुलाया, और जैसे ही सुपरमैन अदालत में पहुंचा वहां पे एक बहुत बड़ा बॉम ब्लास्ट हुआ। बोल रहे ये बॉम ब्लास्ट किसने करवाया? सिंचन ये बमब्लस करवाया लेक्स लूथर ने। लेक्स लूथर का ही यही प्लान था कि जैसे ही सुपरमैन कोर्ट पहुंचेगा वहां पे एक बम ब्लास्ट होगा। और सिंचन बम ब्लास्ट में सुपरमैन को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वहां पे जितने भी लोग थे सारे मारे गए। अरे बुलबे मेरे को दुख लग रहा है सुनने में। सिंचन फिर सुन, फिर बैटमैन ने कसम खा लिया था कि अब तो सुपरमैन को मारना ही है, क्योंकि वो जहां भी जाता है ऐसा कुछ ना कुछ कांड होता ही रहता है, लोग मरते ही रहते, तो अब होने वाला था फाइट बैटमैन और सुपरमैन के बीच। फिर सिंचन बैटमैन बहुत ट्रेनिंग करने लगता है, दिन रात ट्रेनिंग करने लगता है, और क्रिप्टोनाइट से ऐसे कुछ डेडली हथियार बना लेता है जिसके मदद से सुपरमैन को बहुत ही इजीली मारा जा सकता है। और लेक्स लूथर उधर दूसरे तरफ हंस रहा था क्योंकि वो अपने प्लान में ऑलमोस्ट कामयाब हो ही गया था, लेकिन सुपरमैन टाउन में नहीं था, इसलिए लेक्स लूथर के शैतानी दिमाग में और एक प्लान आया। और ये प्लान ये था कि सुपरमैन के माता मार्था को किडनैप कर लिया और साथ ही साथ सुपरमैन के गर्लफ्रेंड लुईस लेन को भी किडनैप कर लिया। अरे बोल भाई ये लेक्स लूथर तो काफी खतरनाक और शैतानी दिमाग वाला है। सिंचन अब तो यार लड़ाई होने ही वाला था, और कैसे होगा लड़ाई अभी तो सुनने वाला है। गाइस आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं, कमेंट कर दो गाइस पसंद आ रहा है, ठीक है, अभी सुनो गाइस। सिंचन लेक्स लूथर ने फिर लुईस लेन को अपने बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है, लेकिन उसी वक्त आ जाता है सुपरमैन, और सुपरमैन को सारे उसके गंदे इरादे पता चल जाता है। फिर सुपरमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जाता है मारने के लिए लेक्स लूथर को, लेकिन उसी वक्त लूथर बोलता है कि मैंने तुम्हारे मम्मी को भी किडनैप करके रखा है, और अगर मम्मी को बचाना चाहते हो तो जाओ गौथम सिटी और जाकर के बैटमैन को मार डालो। अरे बुलबे अभी फाइट होने वाला है ना? हाँ सिंचन अभी फाइट होने वाला है। फिर सिंचन सुपरमैन पहुंच जाता है गौथम सिटी और देखता है वहां पे बैटमैन को, और फिर ये सब चीजों के बारे में तो सुपरमैन को ऑलरेडी पता था। फिर सुपरमैन को ये लगा कि बैटमैन को भी ये सब चीजों के बारे में पता लगना चाहिए, तो वो मतलब जैसे ही बोलने के लिए जाता है बैटमैन बिना सुने यार सुपरमैन को मारना चालू कर देता है, तो इसी बात पे आता है सुपरमैन को गुस्सा और फिर दोनों के बीच हो जाता है घमासान युद्ध। सुपरमैन फिर बैटमैन को बहुत ज्यादा पीटता है, ठीक है, क्योंकि सुपरमैन तो गॉड है यार, ठीक है, बैटमैन तो ह्यूमन ही है ना, लेकिन सिंचन बैटमैन के पास था दिमाग और ऐसे कुछ डेडली हथियार जो उसने बनाए थे क्रिप्टोनाइट से, तो वो इस्तेमाल कर देता है सुपरमैन के ऊपर, ठीक है, मतलब एक गैस छिड़क देता है सुपरमैन के ऊपर और सुपरमैन बहुत ज्यादा वीक हो जाता है। फिर बैटमैन भी बहुत मारने लगता है सुपरमैन को, मतलब बहुत ज्यादा मारने लगता है, ठीक है। फिर बैटमैन अपना लास्ट वाला हथियार से सुपरमैन को मारने जा ही रहा था कि सुपरमैन बोलता है कि मार्था को बचा लो,
तो ये बात सुन के यार बैटमैन थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि मार्टा को तुम कैसे पहचानते हो। और ये बोलते ही थोड़ी देर के लिए बैटमैन उधर ही रुक जाता है और उसी वक्त सुपरमैन की गर्लफ्रेंड लुईस लेन डॉर के पास आती है सुपरमैन और बैटमैन के पास और ये बोलती है कि मार्टा सुपरमैन के माँ का नाम है। और ये सुनते ही बैटमैन पीछे हो जाता है और बैटमैन के अंदर जो इंसानियत था वो फिर से जाग जाता है। और फिर क्लार्क और लुईस लेन दोनों मिलकर के बैटमैन को लेक्स लुथर के सभी काली करतूतों के बारे में बोलता है और फिर बैटमैन निकलता है मार्टा को बचाने के लिए। लेकिन सिंचन लेक्स लुथर एक बहुत ही गंदा काम कर रहा था। लेक्स लुथर एक राक्षस को बना रहा था क्रिप्टोनाइट का यूज करके और ये राक्षस काफी खतरनाक था। तो सुपरमैन जाता है उस राक्षस को रोकने के लिए और बैटमैन जाता है मार्टा को बचाने के लिए। तो मार्टा को तो बचा लेता है बैटमैन। फिर होता है फाइट डूम्सडे और सुपरमैन वर्सेस बैटमैन का, या डूम्सडे है उस राक्षस का नाम। अरे बोल भैया डूम्सडे वो खतरनाक मैंने सुना है बोल भैया। सुपरमैन और बैटमैन दोनों ने बहुत कोशिश करा डूम्सडे को मारने के लिए बट डूम्सडे था बहुत शक्तिशाली और डूम्सडे को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर उसी वक्त बैटमैन और सुपरमैन को हेल्प करने पहुंची वंडर वुमन। अरे बोल भैया वंडर वुमन, अरे वाह बोल भैया। और सुन फिर वंडर वुमन सुपरमैन और बैटमैन मिल करके डूम्सडे को मारने लगे। फिर भी यार डूम्सडे को कुछ नहीं हुआ। और लास्ट में सिंचन क्या हुआ, बैटमैन ने एक हथियार बनाया था, तेरे को मैंने बोला था ना एक त्रिशूल सा हथियार। अरे हाँ। तो वो हथियार लेकर के डूम्सडे के शरीर में घुसा दिया और फिर वो घुसाने के बाद डूम्सडे तो मर गया था और साथ ही साथ सुपरमैन भी मर गया था। सुपरमैन भी मर गया था। हाँ सिंचन अभी के लिए तो सुपरमैन मर ही गया था लेकिन एक ट्विस्ट है एंड में, ठीक है। फिर क्या हुआ, सारे शहरवासी सुपरमैन को सम्मान देने लगे क्योंकि एक राक्षस को मारते मारते सुपरमैन भी मर गया, मतलब अपना जान सेक्रीफाइस कर दिया अपने शहर को बचाने के लिए। तो इसीलिए सारे शहरवासी सुपरमैन को रेस्पेक्ट देने लगे। और फिर सुपरमैन के फ्यूनरल के दौरान वंडर वुमन भी आई थी और बैटमैन भी आया था। और फिर बैटमैन वंडर वुमन को ये बोलने लगा कि मैंने कुछ ऐसे फाइल्स पढ़े थे लेक्स लुथर के और वहाँ पे मेरे को कुछ पता चला कि ऐसे बहुत सारे सुपर हीरोज हैं, मेटा हीरोज, ठीक है, और उनको हमें ढूंढना पड़ेगा क्योंकि शहर में फिर से कोई नया मॉन्स्टर आ सकता है फ्यूचर में। तो यही बोलते फिल्म हो जाता है खत्म, मतलब स्टोरी हो जाता है खत्म। अरे बोल भैया खत्म, लेकिन सुपरमैन आपने तो बोला था कि सुपरमैन जिंदा होने वाला है। शिनचैन जैसे ही फिल्म खत्म होता है और जैसे ही सुपरमैन के ग्रेव के पास, कब्र के पास वो कैमरा जाता है तो वहां का रेत जो है मतलब आसमान के तरफ उड़ने लगता है। तो ये इंडिकेट करता है कि सुपरमैन अभी भी नहीं मरा है। और ये स्टोरी हम लोग को जानने को मिलेगा जस्टिस लीग के पार्ट में। गाइस अगर आप लोग को जस्टिस लीग का पार्ट भी देखना है, जानना है स्टोरी, तो गाइस इस वीडियो पर लाइक एम है 25,000 का। अगर आप लोग 25,000 एम कंप्लीट कर देते हो तो जरूर से मैं जस्टिस लीग के ऊपर भी ऐसा एक स्टोरी लेकर के आऊंगा। और गाइस अपना ओपिनियन कमेंट करो कि आप लोग को ऐसे स्टोरीज सुनना पसंद है कि नहीं, मैं जरूर से ऐसे स्टोरीज बनाने का कोशिश करूंगा गाइस। एंड सब्सक्राइब भी कर लेना, बहुत मेहनत लगती है ऐसा एक स्टोरी बनाने के लिए। सो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गाइस आप लोग अच्छे से रहो, मजे में रहो, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, एकदम अच्छे से ख्याल रखना अपना।